नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के शिक्षकों के वेतन के लिए मंजूर हुए 3500 करोड़ रुपए। बिहार को 10 लाख एमटी यूरिया का होगा आवंटन। बिहार शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। IGIMS में 24 घंटे का कंट्रोल रूम होगा शुरू। IPL 2023 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में यह खिलाड़ी हैं आगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के शिक्षकों के वेतन के लिए मंजूर हुए 3500 करोड़ रुपए। संग्रह शिक्षा अभियान के तहत बिहार के कक्षा 1 से 12वीं तक के कुल 2,74,681 शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 35.51 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि यह राशि समुचित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिलने वाली राशि का हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष को इसमें से 15 अरब रुपए वेतन भुगतान के लिए तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दिए गए हैं, जिससे अप्रैल की शेष रह गई और मई माह के वेतन का भुगतान किया जाना है। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार इस राशि का उपयोग दूसरे मद में नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार बिहार शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी होंगे। वहीं जिला स्तर पर इसकी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। नालंदा में 22 मई को लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड स्थित जिला नियोजनालय परिसर में श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय द्वारा 22 मई को एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि 22 तारीख को लगने वाले इस जॉब कैंप में बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के द्वारा बताया गया है कि इस जॉब कैंप में केवल NCS पोर्टल जिला नियोजनालय नालंदा पर निबंधित अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। बता दें कैंप में इच्छुक उम्मीदवार 10वीं और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा, 2 फोटो लेकर जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने संबंधी निर्णय को प्रभाकर रंजन व अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा दी गई है। बता दें कि दायर की गई इस याचिका में TET शिक्षक संघ की ओर से अध्यापक नियमावली 2023 को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 2 लाख TET शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेट से राज्य कर्मी का दर्जा देने की भी मांग की गई है। TET शिक्षक संघ की ओर से पटना हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई गर्मी छुट्टी के तत्काल बाद होगी। मालूम हो कि TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अध्यापक नियमावली 2023 को पूरी तरह से और संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नियमावली बताया है। बिहार को 10 लाख एमटी यूरिया का होगा आवंटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 24 मई को राज्य में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की जाने वाली है, जिसके तहत राज्य को पिछले वर्ष केंद्र से मिले आवंटन जितना ही 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 3 लाख मीट्रिक टन DAP मिलेंगी। बता दें कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा मांग को देखते हुए इसका वितरण सही तरीके से सुनिश्चित करने में जुटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खरीफ फसल में धान और मोटे अनाज आते हैं। ऐसे में इस बार विभाग के द्वारा धान के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ ही मड़ुआ का रकबा भी तय किया जा रहा है। सलाहकार बिहार ऐप के जरिए रकबा की जानकारी दे रहे हैं। जाने इस वजह से बिहार में गंगा नहीं हो रही निर्मल। गंगा को साफ रखने की योजना के 9 साल बीत चुके हैं। बता दें कि नमामि गंगे की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन आज के समय में भी गंगा निर्मल नहीं बन पाई है, जिसका मुख्य वजह राज्य के 18 शहरों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिरना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे कुल 23 प्रमुख शहर है जिनके गंदे पानी सीधे गंगा में गिरते हैं। ऐसे में इन 23 शहरों में से सिर्फ 5 शहर ही ऐसे है जहाँ के नाले का पानी शोधन हो पड़ा है। वहीं बचे 18 शहर के गंदे पानी सीधे गंगा में आकर मिलते हैं। बता दें कि वो 18 शहर जिनके गंदे पानी गंगा में आकर मिलते हैं उनमें बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, दानापुर, मोकामा, बख्तियारपुर, छपड़ा, भागलपुर, फतुहा, मनेर, बढ़िया, कहलगांव, खगड़िया, बक्सर, मनिहारी, तेघड़ा, दिघवाड़ा और जमालपुर शामिल है। CUET UG का एडमिट कार्ड हुआ जारी। अगर आप भी CUET UG के माध्यम से स्नातक में एडमिशन लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि CUET UG 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड CUET.samarth.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड 22 से 24 मई तक होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया गया है। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा जो 25 से 28 मई तक होने वाली है उसके लिए एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अकेले बिहार से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के द्वारा आवेदन किया गया है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए बिहार के 20 शहरों में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
IGIMS में 24 घंटे का कंट्रोल रूम होगा शुरू। उपनिदेशक सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की अध्यक्षता में ही बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बहुत जल्द ही IGIMS में मरीजों की सुविधा के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा, जो कि वर्तमान कक्ष से बिल्कुल अलग होगा। बता दें कि इस कंट्रोल रूम की शुरुआत एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी, जिसमें अधीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक मौजूद होंगे। इमरजेंसी के दौरान इस कंट्रोल रूम में मरीजों को इलाज से लेकर सुरक्षा साफ सफाई तक की व्यवस्था उपलब्ध होगी। मालूम हो कि कंट्रोल रूम के 24 घंटे खुले होने पर मरीजों की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। दूसरी ओर चिकित्सक अमरीज की परिजनों का विवाद भी कम होगा। IIT पटना में AI पाठ्यक्रम की हुई शुरुआत, इस दिन तक करें आवेदन। IIT पटना में सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत TIH ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। बता दें कि इस कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होगी, जिसमें छात्रों को टेक्स्ट, स्पीच और वीडियो एनालिटिक्स के व्यापक क्षेत्रों में कुशल बनाया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए छात्रों को कुल 75,000 प्रति सेमेस्टर जमा करने होंगे। अगर आप भी यह कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो आप इस कोर्स के लिए 14 जून तक आधिकारिक वेबसाइट www.iitp.ac.in/mtech-ad-mission/tih/tih-form पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर पात्रता मापदंड की बात करें तो छात्रों के पास बीटेक, बीई कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, ईई या एमसीए में डिग्री होना अनिवार्य है। मणिकंडा और द्रोणा हाथी करेंगे राज्यपाल आरवी आलेकर का स्वागत। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर रविवार 21 मई यानी कि कल VTR के टूरिस्ट प्लेस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर VTR प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि VTR में हाथी महावतों की ओर से राज्यपाल के स्वागत के लिए वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में मौजूद मणिकंठा और द्रोणा नामक 2 हाथियों को तैयार किया गया है, जो राज्यपाल को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के द्वारा पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही वे जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे और जंगल तथा जानवरों के हालात से रूबरू होंगे। वहीं वाल्मीकि नगर में रात्रि ठहराव में राज्यपाल के सामने थरहुट व आदिवासी क्षेत्र की महिला व पुरुषों द्वारा पारंपरिक झमटा झूमटा व सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा। 2000 नोट को वापस लेने के RBI के फैसले पर सुशील मोदी का बयान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील मोदी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि यह नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। उन्होंने कहा कि यह काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने बताया कि 2018 से ही 2000 के नोटों का छपाई बंद कर दिया गया था और बाजार में इसका कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन इन 2000 के नोट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग तथा काला धन के रूप में अवस्थे हो रहा था। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका सहित दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था में $100 से बड़ी मुद्रा नहीं है, तो फिर भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। इसलिए इस निर्णय से सामान्य आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी तथा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नोटबंदी के दौरान सरकार ने तात्कालिक तौर पर लोगों को राहत देने के लिए 2000 रुपए के नोट को छापना शुरू किया था। इससे आम आदमी को परेशानी नहीं होगी क्योंकि उनके पास 2000 रुपए नोट नहीं है। जल्द ही सिंगापुर रवाना होंगे लालू प्रसाद। रांची के CBI कोर्ट के द्वारा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में अब वह जल्द ही सिंगापुर जा सकते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को अपनी जांच के लिए सिंगापुर जाना था, जिस वजह से लालू यादव के द्वारा CBI की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज यानी कि 20 मई को विशेष अदालत के द्वारा सुनवाई करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में लालू प्रसाद यादव देश की राजधानी दिल्ली में अपनी बेटी मिशा भारती के घर पर रह रहे हैं। मालूम हो कि वह दिल्ली के लिए कुछ दिन पहले ही बिहार की राजधानी पटना से रवाना हुए थे। इस दौरान उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद थी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी ने CM नीतीश पर किया हमला। आज यानी कि 20 मई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, RCP सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बिहार को नीतीश सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। उनके द्वारा रोजगार के नाम पर कागजी शोर दोहराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि बिहार में केंद्रीय योजनाओं पर काम नहीं हुआ है। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जा सके, इसके लिए बीजेपी के द्वारा पूरे राज्य भर में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। CM नीतीश और तेजस्वी सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में हुए शामिल।
आज यानी कि 20 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। बता दें कि आज कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और नए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के द्वारा अपने पद का शपथ ग्रहण किया गया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ 8 अन्य विधायक के द्वारा भी शपथ लिया गया, जिनमें डॉक्टर जी परमेश्वर, के जे जॉर्ज, के एच मुनियप्पा, सतीश जरकीहोली, जमीर अहमद, देश पांडे की जगह रामलिंगा रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और MB पाटिल के नाम शामिल है। वह इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए। मालूम हो कि पहले ही बिहार के इन दोनों नेताओं के द्वारा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए हामी भर दी गई थी। बता दें कि आज हुए शपथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। IPL 2023 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में यह खिलाड़ी हैं आगे। IPL 2023 के 16वें सीजन में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में जिन खिलाड़ियों के नाम आगे हैं, उनमें ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे आगे फाफ डुप्लेसी हैं। बता दें कि फाफ डुप्लेसी के द्वारा इस सीजन में अब तक 702 रन बनाया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर 625 रन के साथ यशस्वी जायसवाल, तीसरे स्थान पर 576 रनों के साथ शुभमन गिल, चौथे स्थान पर 538 रनों के साथ विराट कोहली और पांचवें स्थान पर 498 रनों के साथ डेवोन कॉनवे का नाम शामिल है। वहीं अगर बात पर्पल कैप की करें तो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे यानी कि सबसे पहले स्थान पर 23 विकेट के साथ गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद समी का नाम शामिल है। वहीं दूसरे स्थान पर 23 विकेट के साथ रशीद खान, तीसरे स्थान पर 21 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल, चौथे स्थान पर 20 विकेट के साथ पीयूष चावला और पांचवें स्थान पर 17 विकेट के साथ मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन माधव पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने माधव पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, शंकर मुखिया, कमलेश शर्मा, सूर्यकांत कुमार, आदित्य कुमार, कृष्ण कुमार यादव, PK पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, भान प्रकाश मौर्य, मुटुर रंगीला, प्रवीण कुमार, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना में से आपने अब तक कितने योजनाओं का लाभ उठाया है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।